नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन माइथोलॉजी चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सभी देवों में भगवान श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सभी देवों में भगवान श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है, तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा कोई कार्य नहीं जो गणपति पूजन के बिना आरंभ किया जाता हो। श्री गणेश कहकर कोई कारोबार या शुभ काम या दुकान आरंभ करता है। गणेश जी का सिर हाथी का है, इसका तात्पर्य ये होता है कि हाथी ही एकमात्र ऐसा जीव है जो बहुत गहराई से सोचता है। और इतना ही नहीं, जब हाथी चलता है तो अपनी सूंड से फूंक मार मार कर कदम रखता है। इसका अभिप्राय है कि रास्ते में एक चींटी के समान भी अड़चन ना आने पाए। कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी दिक्कत जो देखने में चींटी के समान लगे, परंतु बाद में आपकी अक्ल और दिमाग को खराब कर दे, जिसके नुकसान से आप सिर पटक पटक कर अपना ही नुकसान कर बैठे। हाथी का विशाल मस्तक इस बात का प्रमाण है कि जब हाथी किसी विपत्ति में होता है तो वो धैर्य रख कर उसे निकालने या उससे उबरने की कोशिश करता है, अपनी बुद्धि द्वारा उसे हल कर लेता है। ऐसे में आप भी जब कोई काम करें तो हाथी की भांति पहले पूर्ण विचार करके एक एक कदम फूंक फूंक कर रखें, अर्थात पूरे ध्यान से रखें और ऐसा रखें कि पीछे ना मुड़ना पड़े, तभी तो श्री गणेश कहते हैं। दोस्तों, गणेश जी के साकार विग्रह में मनुष्य के धड़ पर हाथी का मुख संयुक्त किया गया। इसमें भी रहस्य है। हाथी में बुद्धि, धैर्य एवं गंभीरता का प्राध्यान है। गणेश जी का हाथी का सिर उनके इन्हीं गुणों को प्रदर्शित करता है। हाथी के नेत्रों की भी अपनी महिमा है। हाथी के नेत्र का निर्माण संसार के सभी प्राणियों के नेत्रों से विपरीत है। हाथी का नेत्र छोटी वस्तु को भी बड़ा देखता है। अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले व्यक्ति को भी अपना दृष्टिकोण हाथी की भांति दूसरों को अपने से बड़ा देखने वाला मानना चाहिए। जब मनुष्य दूसरों को अपने सामने तुच्छ समझकर उनका अपमान करने लगता है तो दूसरे लोग अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसे हृदय से सहयोग नहीं देते। इसीलिए दूसरों को अपने से बड़ा देखने की शिक्षा एकमात्र हाथी के नेत्र से ही मिलती है। हाथी की तरह बड़े कानों का अर्थ है कि हमें सब कुछ धैर्य और गंभीरता से सुनना चाहिए। गणेश जी का लंबोदर अर्थात लंबा और मोटा पेट हमें सबकी भली बुरी बातें अपने पेट में रखने की शिक्षा देता है। गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। उनका एक दंत एकता का संदेश देता है। जैसा कि दोस्तों सब जानते हैं कि गणपति जी का वाहन मूषक अर्थात चूहा है। गणपति बुद्धि के देवता हैं और चूहा तर्क का प्रतीक है, इसीलिए बुद्धि सदैव तर्क पर सवारी करती है। मूषक का एक अन्य अर्थ है चोरी करने वाला। मनुष्य के भीतर जो चोरी आदि पाप की वृत्तियां हैं, उनका प्रतीक है मूषक। गणेश जी उस मूषक पर चढ़ते हैं, अर्थात उस चरण प्रहार करके उसे दबाए रहते हैं। गणेश जी के चिंतन और स्मरण से भीतर के दुर्गुण दब जाते हैं। गणेश जी को गजमुख भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है आठों दिशाओं की ओर मुख करने वाला। गणेश जी आठों पहर की ओर आठों दिशाओं की खबर रखते हैं, इसीलिए उनकी पूजा किए बिना किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों सभी देवों में भगवान श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और मित्रजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसी तरह की किसी और विषय में जानकारी चाहते हैं तो हमें हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेशन में लिखकर जरूर बताएं। जुड़े रहिए इंडियन माइथोलॉजी चैनल के साथ।